भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता रहा है। अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मनाली को अपना दूसरा घर मानते थे। जल्द ही शिमला के ऐतिहासिक रीज मैदान में वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके लिए जगह का भी चयन कर लिया गया है। प्रदेश की सीएम जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वाजपेयी की प्रतिमा के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। अटल जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हिमाचल से बहुत जुड़े हुए रहे और उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पिछली बार हमने उनके निधन के पश्चात एक निर्णय लिया कैबिनेट में कि हम शिमला की रिज पर या माल रोड के पर जहां उचित स्थान मिलेगा वहां पर एक भव्य स्टैचू उनकी बनाएंगे। हिमाचल में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों और कविताओं को खूब पसंद किया जाता था। अटल जी ने हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया जिसके बाद प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। धारा 370 पर वो कश्मीर के इशू पर बोल रहे थे लेकिन बीच में जिक्र उसमें धारा 118 का हिमाचल का आया। हिमाचल का ये सेक्शन जो है रेवेन्यू के अंतर्गत जो है वो स्टेट के दायरे में हमने एक निर्णय लिया हुआ पुरानी हमारी सरकार ने लिया है और जिसको आज भी हमने कायम रखा है और कायम रखेंगे। 118 के तहत जो है एक नहीं अनेकों बार जो है परमिशन दे करके जो प्रोसीजर हो उसका फॉलो करके जो है वो यहाँ पर परमिशन दी गई है। हिमाचल प्रदेश से अटल बिहारी वाजपेयी को काफी लगाव था। साथ ही वाजपेयी ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि शिमला में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। R9 TV के लिए शिमला से अजीत शर्मा की रिपोर्ट।